मामा मुझे भूख लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई थी किन्नौर की ये 2x स्पाइसी नूडल्स, तो मैंने कहा चलो मैं इनका टेस्ट चेक करती हूँ कि कैसा होता है। मैं फर्स्ट टाइम ये बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इसका जायका और टेस्ट कैसा होता है, कि ताकि आप लोग भी अपने घर में ये ट्राई कर सकें। तो चलें इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए दो ये बार निकले इसमें से, ये मैगी नूडल्स के, और साथ ये इसके निकला ये स्पाइसेस जो इसके अंदर डालते हैं हम लोग। तो ये हम डाल के चेक करेंगे कि इनका टेस्ट कैसा बनता है। पैकेट को देख कर अंदाजा तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी होंगे, तो चलें ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने चूल्हे पे एक देसकी चढ़ाई है, इसमें 4 कप मैंने पानी के डाले हैं, तो पानी को हम पहले उबलने देंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है, अब इसमें हम डालेंगे ये नूडल्स। साथ ही इसमें ये मैं डाल दूंगी मसाला जो है साथ। ये सारा ही मैंने डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा आप लोगों ने सुना होगा कि मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाती है, तो ये 2 मिनट में तो नहीं तैयार होंगे, तकरीबन इनको 5 मिनट लग जाएंगे तैयार होने में। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं दिखाती हूँ 5 मिनट बाद। ये देखिए 5 मिनट गुजर गए हैं, तो हमारे ये सूपी नूडल्स तैयार है। तो मेरे बेटे को ये सूपी नूडल्स ऐसे पसंद है, तो बाज़ लोग इसमें पानी बिल्कुल खुश्क कर लेते हैं, तो बाज़ लोगों को वैसे पसंद है, तो लेकिन मेरे घर में ये ऐसे ही खाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मजे की बने हैं मैगी, और साथ मेरे बेटे को ये सूप पसंद है मैगी का, तो ये देखिए साथ ये सूप भी बन गया। ले जी तैयार है बहुत ही मजेदार ये 2x स्पाइसी किन्नौर के नूडल्स। तो ये तो बहुत मजे के बने हैं, मैंने भी चखे हैं, लेकिन मुझे मिर्ची इतनी ज्यादा नहीं है वो पसंद, तो लेकिन मेरे बेटे को तो ये बहुत जबरदस्त लगे हैं, क्योंकि उसको मिर्ची पसंद है और उसने अपनी मर्जी से ये खरीदे थे। तो जो लोग मिर्ची तेज खाते हैं तो उनको ये बहुत अच्छे लगेंगे, तो जिनको मिर्ची नहीं पसंद तेज तो वो नहीं खा सकेंगे, जैसे कि मैं हूँ तो मैं नहीं ये खा सकती, बहुत स्पाइसी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस।